हाँ? अरे कोई बात नहीं, आप भी शरीर छोड़ोगे, एक सूक्ष्म शरीर होगा, होगा या नहीं? दुनिया वाले जो भिखारी हैं, जो राजा हैं, जो नेता हैं, कोई भी हो, शरीर छोड़ेंगे तो भी उनका सूक्ष्म शरीर होगा। क्या ये सूक्ष्म शरीर अंधवाद शरीर फरिश्ता होता है? तो फरिश्ता होता क्या है? अभी आप संपूर्ण इसकी डेफिनेशन सुनेंगे कि इस तरीके से बाबा ने क्या कहा फरिश्ता कैसे बनना चाहिए। जानने के लिए तैयार हो? जानने के लिए हम पूरा तैयार हैं। मुस्कुराने के लिए तैयार हो? देखो हम जब सबके लिए बोला, सिर्फ आपको नहीं किया जाए, जब हम सो जाते हैं तब आत्मा, हर एक आत्मा स्वप्न देखती है। वो कैसे देखती है? शरीर तो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसको कोई ना कोई शरीर चाहिए, या तो सूक्ष्म या तो स्थूल। सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी आत्मा देखती है। जैसे ये शरीर है वैसे आत्मा एक्यूरेट, वैसे शरीर अंतर मन का काम है, जादू शक्ति वो निर्माण कर लेती है, फिर उसके द्वारा वो देखती है। एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर चला रहे हैं घर में, लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है हम यहां देख रहे हैं, कैसे इंटरनेट कैसे चलता है? सैटेलाइट। सबसे पहले हमने क्या किया, इंटरनेट चलाने के लिए एक सैटेलाइट बनाया, बड़ा मशीन बनाया और उसको भेज दिया, कहां? अंतरिक्ष में भेज दिया, और वो स्थित हो गया उधर। फिर हमने कनेक्शन जोड़ा उससे, उसके अंदर भी बैटरी है, पावर है। तो सूक्ष्म शरीर में भी पावर होता है, तो उसको हमने बना के वहां भेज दिया और वो स्थित हो गया, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अति सूक्ष्म कनेक्शन है जो कंप्यूटर में हम यहां करके वर्ल्ड के सारे चीज को देख रहे हैं, है या नहीं?